ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर गीता, वैक्सीन ड्राई रन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, ड्राई रन का मकसद यही है कि देखना कि फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो वैक्सीन है उसको लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन करने पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये एक मॉक ड्रिल होती है, तो क्या लॉजिस्टिक इश्यूज आ सकती हैं, क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो ऐप है, जैसे एक कोविन ऐप बनाई गई है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑन द कोविन ऐप, फिर वेरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बाय हिज फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड आधार कार्ड, मॉक वैक्सीनेशन, असली में वैक्सीनेशन नहीं लगता है। मॉक वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट फॉर 30 मिनट्स, और वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाना होता है। तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, जितनी प्लानिंग की गई है इस सब चीज की, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। डॉक्टर गीता, सरकार ने कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आपने बताया कि जो कोविन ऐप है उसके नाम से अलग अलग स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप से सावधान रहने की अपील की है, तो ऐसे में हमें किस तरह सावधान रहने की जरूरत है? सरकार के अप्रूव्ड सेंटर्स हैं, वहीं पे रजिस्टर करना। जो भी सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई जा रहे हैं उनसे मत जाइए, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पे शुरू नहीं हुई है, अभी हर चीज प्लानिंग स्टेज में है। उम्मीद है कि 10 दिन में वैक्सीन का रोल आउट और रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और अबाउट प्लान है 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड देन विल फॉलोड बाय द फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर उसके बाद आएगा जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको कोई मॉर्बिडिटी है, उनको इम्यूनाइज किया जाएगा। डॉक्टर गीता, जैसे कि आपने बताया कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको भी ये वैक्सीन जो है प्रायोरिटी पे लगाई जाएगी, तो ऐसे लोगों को, जैसे जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या किसी किडनी या किसी अन्य गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें ये वैक्सीन लेने के पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। और जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको ये देख लेना है कि उनकी शुगर ठीक हो और उस वक्त उनको कोई इन्फेक्शन ना चल रही हो। बाकी कोई एक्टिव इन्फेक्शन जबकि शरीर में नहीं है, तो ऐसी और कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहली डोज के बाद 4 वीक्स के बाद सेकेंड डोज मिलेगी, उसके भी 1 महीने के बाद ही कोई एंटीबॉडीज बनेंगी। तो तब तक आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और हैंड सैनिटाइजेशन है, ये आपको परहेज कंटिन्यू करना है। डॉक्टर गीता, जब हम कोई वैक्सीन नई लगवाते हैं तो उसके बाद अक्सर कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, और वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, जैसे बुखार खा जाना, स्किन में एलर्जी हो जाना, तो ये बहुत ही टेम्परेरी और बहुत शॉर्ट पीरियड के होते हैं, तो क्या कोरोना वैक्सीन के केस में भी हमें इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है, वैक्सीन में लोकल रिएक्शन हो सकता है। लोकल का मतलब है जहां वैक्सीनेशन लगाई जाती है उस साइड पे थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है, इंड्यूरेशन जो हम कहते हैं, मतलब जो सराउंडिंग स्किन है, जो आसपास की स्किन है जहां इंजेक्शन दिया है, वो थोड़ी सी टेम्परेली सख्त सी हो सकती है। दूसरा, हर वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार या फ्लू जैसे सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, बुखार हल्का हो सकता है फॉर 24 आवर्स। रेयरली क्या होता है, हर वैक्सीन में एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है विच इज एन एडजुवेंट, वैक्सीन का एडजुवेंट होता है ताकि वैक्सीन का इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो। तो कई लोग जिनको हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू सर्टेन प्रोटीन्स है, उनको ये वैक्सीन ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि जिनको एलर्जी है प्रोटीन से, सो दे कैन हैव एन एलर्जिक रिएक्शन टू दिस प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन। एंड वेरी वेरी रेयरली बिकॉज ऑफ एलर्जी एनाफाइलैक्टिक टिक शॉक जिसको हम कहते हैं, या एनाफाइलैक्सिस जो होता है वो हो सकता है। दैट इज अ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, उसका बहुत मोर चांसेस होते हैं, और इसीलिए आफ्टर वैक्सीनेशन पेशेंट को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो। और डॉक्टर गीता, अगर देश में कोरोना की अगर हम ताजा स्थिति की बात करें, तो इस समय कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो ये कहीं न कहीं एक राहत देने वाली बात भी है, और रेट ऑफ रिकवरी भी 96% से ज्यादा है, तो आप इसे किस तरीके से देखती हैं? हमारे देश में क्या स्थिति है, जबकि बाहर दूसरे देशों में काफी हालात बिगड़े हुए हैं?
आजकल हम जो देख रहे हैं जरा माइल्ड इन्फेक्शन, जो एक अचानक सर्ज आया था नवंबर में, अब इन्फेक्शन रेट कम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी रेट 96-97% पे आ गया है। द डेथ मोर्टेलिटी रेट भी है वो बहुत कम हो गया है, और जितनी इन्फेक्शन हैं ज्यादातर वो माइल्ड इन्फेक्शन हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है। डॉक्टर गीता, वैक्सीन इसके रेट क्या होंगे या सरकार ने क्या कोई इसकी कीमत तय की है? मेरे ख्याल से 1000 रुपए के अंदर अंदर इसकी कॉस्ट होगी। सरकार अभी कह रही है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तो फ्री दी जाएगी, बाकियों को कोई इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर शायद दी जाएगी, लेकिन जो कॉस्ट है उसकी 1000 रुपए के अंदर 600 रुपए के करीब है। तो एग्जैक्टली अभी पता चलेगा वंस वैक्सीन मार्केट में आती है। डॉक्टर गीता, ब्रिटेन में जो वायरस का नया स्ट्रेन आया है, अगर हम देखें तो विश्व के 40 से भी ज्यादा देशों में उससे संक्रमण हो चुका है और हमारे देश में भी इससे संक्रमण के प्रमाण मिल गए हैं। ब्रिटेन में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है जबकि ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है? इससे वैक्सीनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये एक प्रोटीन कंपोनेंट है वायरस का, द मेन प्रोटीन कंपोनेंट विच इज द स्पाइक प्रोटीन। ये कंपोनेंट है जो चिंपैंजीज में दिया जाता है और उससे ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, द स्पाइक प्रोटीन। ये जो म्यूटेशन हुई है ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसको इफेक्ट नहीं करती है। एज अ रिजल्ट जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है उसमें कोई अंतर म्यूटेशन से नहीं पड़ेगा। ये जो म्यूटेशन होने से यही है, माइल्ड इन्फेक्शन बहुत हो रही है और इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर वो फैल रहा है। अभी तक यूके में भी ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज वैक्सीनेशन अभी नहीं मिल पाया है। डॉक्टर गीता, कब से आम लोगों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? देखिए, वैक्सीन तो 13 जनवरी तक रोल आउट होने की उम्मीद है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट वैक्सीनेट जो होंगे विल बी द हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड विल बी द जो सीनियर सिटीजन हैं और स्पेशली दोज जिनको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय की बीमारी है, तो उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। आफ्टर दैट द रिमेनिंग पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड। अब कितनी टाइम लगता है ये देखा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोजेस दैट इज अवेलेबल, एंड हमारी पॉपुलेशन काफी बड़ी है और सबको 2 डोजेस लगनी है फॉर इम्यूनाइजेशन, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। गीता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। हमारी जो 2 वैक्सीन सरकार ने अप्रूव की हैं, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, तो इनका जो टेम्परेचर है इसको हम आम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है जो वर्ल्ड में दूसरी वैक्सीन हैं, जैसे हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें या अन्य वैक्सीन की। मेन इसका एडवांटेज ये है कि ये वैक्सीन जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों जो अप्रूव हुई हैं इंडिया में, ये 2 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखी जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं और ये 6 महीने तक स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है और जो मॉडर्ना वैक्सीन है उनको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या ऐसा है, और वो 5 दिन तक ही उस टेम्परेचर पर भी रह सकती हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में लॉजिस्टिक इश्यूज आ रही थी, तो इसीलिए वो वैक्सीन अभी इंडिया में बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज नहीं लाई जा सकती है और कॉस्ट भी बहुत पड़ेगी उसमें। डॉक्टर गीता, जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को वैक्सीन से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई दुर्घटना हो जाती तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था है? पहले इसीलिए ड्राई रन किए जा रहे हैं, तो उसी की जो प्लानिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, कोई लॉजिस्टिक इश्यूज, ऐप में इश्यूज, बाद में रिएक्शन अगर हो जाए उसको टैकल करने के लिए हमारी सारी जो सुविधाएं हैं वो प्लेस में है। जी, हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। डॉक्टर गीता, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।